आज की वीडियो में बात करेंगे शैवाल और कवक के बारे में। इनमें हम अंतर जानेंगे। तो सबसे पहले शैवाल बता दें साधारण भाषा में कि शैवाल क्या होता है। जो घरों में आपने काई देखी है उसी को शैवाल कहते हैं। और कवक मतलब आपने जहाँ पर गोबर पड़ा रहता है, कूड़ा कूड़े का ढेर रहता है, वहाँ पर एक छतरी नुमा एक छोटा सा पौधा उग जाता है। ऊपरी हिस्सा जो छतरी रहती है वो ब्राउन सी रहती है और निचला हिस्सा सफ़ेद रहता है। उसको कॉमन भाषा में लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं, तो उसी को कवक कहते हैं। तो हालांकि ये सिर्फ इन्हीं को नहीं कहेंगे, कवक की कई सारी प्रजातियां होती हैं। तो मशरूम को खाया भी जाता है। उसी तरह से जो शैवाल है, तो शैवाल हम सिर्फ काई को ही नहीं कहेंगे, शैवाल जो है भी कई तरह के होते हैं। कुछ पहाड़ होते हैं बर्फ़ के जो रंग बिरंगे होते हैं, कोई नीले रंग का पहाड़ है, कोई हरे रंग का, कोई लाल रंग का। तो उसके पीछे का कारण है कि उसमें शैवाल पाया रहा है। तो शैवाल जो है हरे पीले नीले रंग के भी होते हैं। कुछ नदियाँ हैं जिनका रंग किसी का पीला है, किसी का नीला है, किसी का हरा है। तो ये जो रंग उनको मिला हुआ है, इसका मतलब उसमें उस टाइप का शैवाल, हरे रंग का शैवाल बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, पीले रंग के शैवाल उसमें बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, इसीलिए उनका रंग होता है। उनके बहुत सारी उपयोगिता होती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर अंतर जानते हैं। क्लोरोफिल है, जो शैवाल होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोफिल का मतलब हरित लवक मिलता है। अब जब हरित लवक शैवाल के अंदर मिल रहा है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने का मतलब है ये अपना खुद का भोजन बना लेते हैं। वहीं पर जो कवक है ये हरे रंग के नहीं होते हैं, और नहीं है इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं है, जिसकी वजह से अपना ये भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं बना पाते हैं। दूसरा है स्वपोषी, जो शैवाल होते हैं वह स्वयं का पोषण कर लेते हैं, यानी खुद भोजन बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण से। क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास हरित लवक है, इसीलिए खुद का खाना बना लिया। अब जब इनके पास हरित लवक नहीं है, ये अपना भोजन नहीं बना सकते, तो ये मृत जीवी होते हैं। मतलब ये सड़ी गली चीज़ों पर उग जाते हैं, तभी गोबर के ढेर के पास ये उग जाते हैं और अपना भोजन वहीं से ये लेते हैं। ये परजीवी के रूप में रहेंगे, दूसरे जीव के शरीर में रह करके, बाहर या अंदर रह करके उससे अपना पोषण वो करते हैं कवक। अगला पॉइंट है कोशिका भित्ति। जो शैवाल हैं उनके जो बाहरी आवरण है वहाँ पर कोशिका भित्ति मिलती है और वो सेलुलोज की बनी होती है। वहीं पर जो कवक होते हैं उनका जो शरीर का बाहरी आवरण होता है वहाँ पर जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन पदार्थ की बनी होती है। अगला पॉइंट है जो शैवाल होते हैं ये जब भोजन बनाते हैं तो इनमें जो भोजन स्टोर होता है वो मंड के रूप में होता है। मंड का मतलब है स्टार्च। स्टार्च आपने कभी आलू को काटा होगा और उसको थोड़ा सा रोशनी में देखे होंगे कभी, या देखिएगा करिएगा, तो उसमें कटे हुए आलू में थोड़ी सी जो चमक दिखाई देती है वही मंड होता है, वही स्टार्च होता है। इसी तरह से आप कभी चावल को धुलें, कच्चे चावल को पकाने से पहले धुलते हैं, तो धुलते वक्त उसमें एक फेना सा दिखाई देता है, और आप उसको भी थोड़ा सनलाइट के पास ले जाकर के धूप में उजाले में देखेंगे तो उसमें भी कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देगी, वो भी स्टार्च होता है, यानी मंड होता है। वहीं पर जो कवक है, तो कवक में जो पदार्थ इकट्ठा होता है, जो संचित भोजन होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, वसा के रूप में होता है और तेल के रूप में होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो शैवाल है ये तेज प्रकाश में वृद्धि करते हैं। मतलब शैवालों को अगर ज़्यादा प्रकाश मिले, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिले, तो ये और तेज़ी से ग्रो करते हैं। वहीं पर जो कवक है ये अंधकार और मंद प्रकाश में जो है उग लेते हैं। मतलब इनको अगर हाई टेम्परेचर मिलेगा, ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, तो उस पर ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। अगर ये अंधेरी जगह पर भी रह रहे हैं तो ये काफ़ी ग्रो कर जाएंगे। धीमा प्रकाश मिलेगा तब भी वहाँ पर ये ग्रो कर जाएंगे।